रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में 6 लोगों को अपना शिकार बना लेने वाले आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा फतेहपुर रेंज में गश्त बढ़ा दी गई है। हल्द्वानी विधायक सुमित रुदेश ने वन विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि आदमखोर बाघ को नहीं पकड़ा गया या मारा नहीं गया तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को नौकरी खा जाने की चेतावनी तक दे डाली। फतेहपुर रेंज में आदमखोर बाघ को मारने के लिए शूटर की तैनाती जल्द कर दी जाएगी। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए फिलहाल पूरी रेंज में गश्त बढ़ा दी गई है। रामनगर वन प्रभाग के DFO आज घटनास्थल पर पहुंचे, जहां हल्द्वानी से विधायक सुमित रुदेश और DFO के बीच काफी नोकझोंक हुई। विधायक सुमित रुदेश ने DFO को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि आदमखोर गुलदार को जल्दी पकड़ा नहीं गया या मारा नहीं गया तो वे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। विधायक सुमित रुदेश कल बाघ के हमले में मारी गई महिला के परिजनों को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे थे। गौरतलब है कि फतेहपुर रेंज में आदमखोर बाघ अब तक पिछले 4 महीनों में 6 लोगों को अपना निवाला बना चुका है, लेकिन बाघ को पकड़ने में अब तक वन विभाग नाकाम साबित हुआ है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। नहीं देखिए, इतनी वारदातों के बाद ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव से पहले जब पहली वारदात हुई थी जिसमें महिला बच गई थी, मैंने उसी दिन इन लोग को आगाह करा था कि ये बहुत खतरनाक चीज़ हुई है, इसको हल्के में ना लिया जाए। उसके एक हफ्ते बाद तुरंत दूसरा शिकार, एक व्यक्ति शिकार हुआ इस बाघ का, और उसके बाद ये छठा, जब आज इस मुकाम पे हम पहुंच गए कि छठी बार बाघ ने हत्या कर दी है, आदमखोर बन चुका है बाघ, तब DFO साहब प्रकट हुए। और वो तो मैंने वन मंत्री जी से रिक्वेस्ट कल ही कर दी थी कि आप इसके बाघ को तुरंत मारने के आदेश दिलवाएं, तो वो आदेश वो लेके आए थे, अच्छी खबर लाए। लेकिन आतंकित है वहाँ डिम्बाडुंगा की जो आबादी है, ब्यूरा टंगर की, काठगोदाम की जो आबादी है, बहुत आतंकित है। और मैंने उनसे ये कहा कि केवल खाना पूर्ति या कागज़ों से काम नहीं चलेगा, आपको लगातार गश्त लगानी पड़ेगी, और अगर दोबारा ऐसी वारदात होती है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब खराब होगी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। पश्चिमी वृत्त के वन संरक्षक के मुताबिक ग्रामीणों के आक्रोश और बाघ के बढ़ते आतंक को देखते हुए आदमखोर बाघ को मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसको देखते हुए शूटरों की तैनाती जल्द से जल्द कर दी जाएगी। हाँ देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार घटनाएं हो रही थी, और आप सब ये भी जानते हैं कि सारी घटनाएं जो हैं जंगल के अंदर हुई हैं। कल और परसों की घटना भी है, वो भी काफ़ी अंदर जंगल में हुई है, और लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने जो है वो उनको बाघों को ट्रैक करने का पूरा प्रयास किया गया है। कैमरा ट्रैप लगाए गए और उसको ट्रैंकुलाइज करने का भी हमने जो है भरसक प्रयास किया गया, लेकिन वो हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब क्योंकि जन आक्रोश को देखते हुए उसको जो है किल करने का जो है परमिशन मिल गया, तो शीघ्र ही हम उसको, हमारी प्रयास रहेगा कि वहाँ से उसको हटा दें। कितने शूटर बुलाए जा रहे हैं? फिलहाल तो एक हैं, उसके अगर नहीं सफलता मिलेगी बढ़ाएंगे।